दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है जिहा दम घुटता है और इस खराब होती स्थिति के बीच दिल्ली सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आज दिल्ली सरकार ने दिवाली के अगले दिन यानी कि 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ऑट इवेंट को लागू करने का फैसला किया है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इन फैसलों की जानकारी दी संभावना दिख रही है कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑडिवेन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा उस एक सप्ताह के अडिविन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा और दिल्ली एनसीआर में फिलहाल हवा की गुणवत्ता की स्थिति क्या है क्या मेजस उठाए जा रहे हैं कितनी है जहरीली हवा इन तमाम मुद्दों पर अपडेट के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं समीर बताइए आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं प्रदूषण की क्या स्थिति है और आगे और किन फैसलों की उम्मीद है जिस वक्त हम दिल्ली के दिल यानी कि कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं यहाँ पर अगर आप तस्वीरों के जरिए देखें तो पिछले चार दिन के मुकाबले आज स्थिति थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है बेहतर इसलिए कि धूप भी खिली हुई है धूप की जो तपिश है वो थोड़ी बहुत महसूस की जा सकती है जो विजिबिलिटी है वो भी पाँच मीटर से ज़्यादा है तो पिछले तीन चार दिन के मुकाबले आज प्रदूषण के लिहाज से स्थिति थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेहतर हो गया हो क्योंकि कई जगहों पर मसलन दिल्ली के आई चौक पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो ए क्यू के पैमाने पर जो प्रदूषण स्तर दर्ज किया गया वो 300 से ज्यादा है आईटी पर 400 से ज्यादा दर्ज किया गया इसका सीधा मतलब यह है कि अभी भी आ, सीवियर कैटेगरी में दिल्ली है दिल्ली वासियों को जहरीली हवा वो उसका सांस लेना पड़ रहा है इन तमाम स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार एक, एक फैसला ले रही है ताज़ा फैसले में दिल्ली सरकार ने यह लिया है कि ऑड इवन व्हीकल फार्मूला लागू किया जाएगा तेरह नवंबर से बीस नवंबर एक हफ्ते के लिए ऑड इवन फार्मूला सीधा ये है कि जिस दिन ऑड नंबर होगा मसलन तेरह तारीख पंद्रह नवंबर सत्रह नवंबर को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी जिनकी नंबर प्लेट ऑड है जो कि एक तीन पाँच सात नौ से जो नंबर प्लेट समाप्त होती हैं वो गाड़ियाँ चलेंगी और जो चौदह नवंबर सोलह नवंबर अट्ठारह नवंबर और बीस नवंबर को ईवन नंबर की जो व्हीकल नंबर प्लेट होगी वो गाड़ियाँ चलाई जाएंगी तो तो एक हफ्ते के लिए तो फॉर्मूला लागू होगा रही बात स्कूलों की तो दस नवंबर तक सभी स्कूलों को फिजिकल के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है इसमें इसके साथ ही साथ दिल्ली में ग्रैप थ्री लागू है नॉन असेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक लगी हुई है उनके चलने पर पाबंदी है बी एस फोर जो कमर्शियल गाड़ियां है डीजल आधारित गाड़ियां हैं उनके चलने पर भी रोक लगी हुई है कदम कई उठाए गए हैं लेकिन आप बड़ी तस्वीर यही देखेंगे कि अभी भी दिल्ली सरकार की पूरी कोशिश ये बताने पे होती है कि ये सब कुछ जो है अगल बगल के राज्यों से हो रहा है जो दिल्ली में प्रदूषण है जबकि तस्वीर ये है हकीकत ये है कि पराली जो है पंजाब में भी भीषण तरीके से जलाई जा रही है हरियाणा के खेत में भी पराली जलाये जाने की घटना है तो जो प्रदूषण का मामला है वो एक दो दिन की नहीं है ये हर साल की कहानी है और जब जब ये प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो राजनीति अपनी चरम सीमा पे होती है लेकिन जो भुगतना पड़ता है वो आम जनता को पड़ता है जी ये भाई ठीक है शुक्रिया समीर इस पूरे के पूरे अपडेट के लिए तो थोड़ी सी स्थिति बेहतर जरूर है लेकिन अभी भी संवेदनशील कैटेगरी में दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाके की हवा बनी है और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है स्थिति को काबू में करने की